अभी हाल में जो सर सरकार की एक गाइडलाइन आई थी, उसमें कहा गया था कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा तक अगर किसी मरीज को खांसी है तो उसे टीबी का चेकअप कराना चाहिए सर। इस पर जी आप और क्या क्या जी राय? तो योगेश जी, जो लास्ट ईयर सेकेंड वेव के बाद जब उनका पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म फॉलो अप हुआ था, तो 3 कैटेगरीज निकली थी। एक, जिनको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज हुई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। दूसरा, जिनको सिवियर डिजीज हुई थी और उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे। और तीसरा, जिनको चाहे माइल्ड चाहे मॉडरेट चाहे सिवियर कैसी भी डिजीज हुआ, लेकिन उनको सिग्निफिकेंट चेस्ट सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे, जो खांसी के रूप में थे, सांस फूलना के रूप में थे, चेस्ट में पेन के रूप में थे, परसिस्टेंट फीवर के रूप में थे। कुछ लोगों को खांसी में पीले रंग का बलगम आ रहा था और कुछ लोगों को खांसी में ब्लड भी आ रहा था। तो खांसी रहना, खांसी में बलगम आना हरे रंग का, खांसी में ब्लड आना, सांस फूलना, मतलब थोड़ा सा उठ के टॉयलेट तक गए, इतने में भी आपकी सांस फूलने लगी, आपका ऑक्सीजन 85-80 या उससे भी नीचे आ गया, चेस्ट में हर समय टाइटनेस पेन रहना, ये सारे सिम्टम्स थे। जब इन सिम्टम वाले पेशेंट्स को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि कुछ में तो कोविड के चेंजेस ही हैं जो काफी सीरियस हो गए हैं, उसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ में हमने फंगस का इंफेक्शन देखा, ब्लैक फंगस उनमें से एक था जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, दूसरा जिसको हम व्हाइट फंगस या एस्परजिलस येलो फंगस कहते हैं, वो भी था कि लंग में कहीं ना कहीं वो इंफेक्शन हो गया फंगस का, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ लोगों को लंग पंक्चर हो गया था, हवा भर गई थी, लंग कोलैप्स कर गया था, कुछ लोगों को लंग के चारों तरफ पस इकट्ठा हो गया था। लेकिन इन सब के अलावा एक और कैटेगरी निकली कि कुछ लोगों को लंग में पैचेस मिले, और जब उन पैचेस को वर्कअप किया गया, उनके स्पूटम का टेस्ट किया गया या नाक के रास्ते ब्रोंकोस्कोपी करके उसका आ, आ, पस को एग्जामिन किया गया, तो उसमें ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया निकले। या कुछ लोगों को चेस्ट में ग्लैंड्स डेवलप हो गई और जब उन ग्लैंड्स की जांच की गई तो उसमें टीबी निकली। तो इस वजह से यह एडवाइजरी आई थी कि कोविड के टाइम जो इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, उसकी वजह से पोस्ट कोविड में टीबी का इंफेक्शन जो हम सब भारतीयों में होता है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिवेट हो रहा है, या फंगस इंफेक्शन जो नॉर्मली नहीं होता इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन को, लेकिन लो इम्यूनिटी की वजह से वो हो रहा है, या फिर कोविड इटसेल्फ से जो लंग को नुकसान हुआ है। ये तो इन 3 चीजों पे हम वर्कअप करते हैं, हम कोविड का लंग देखते हैं, हम फंगस के लिए वर्कअप करते हैं और हम टीबी के लिए वर्कअप करते हैं, और इनमें से कोई भी चीज मिले तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं।